हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईसीए के काउंसिल मेंबर का अपडेट है सीआईपीसीसी ओल्ड कोर्स के रिगार्डिंग में। आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग देयर अटेम्प्ट इन नवंबर 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जुलाई में और अगर वो स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाता तो वो एग्ज़ाम्स नवंबर में भी दे सकता है। इसका मतलब एक तरह से एक्सटेंशन ही हुआ है आपके आईपीसीसी ओल्ड कोर्स के अटेम्प्ट का। आपको पता ही है जैसे कि सी ए आई पी सी सी ओल्ड कोर्स का जो अटैम्प्ट था वो मई 20 लास्ट अटैम्प्ट था। मतलब अभी जुलाई के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं मई 20 लास्ट अटैम्प्ट था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाता और अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते तो वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाता तो वो नवंबर में भी एग्ज़ाम्स दे सकता है नवंबर अटैम्प्ट में। आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर नीड क्लेरिफिकेशन, आई एम आई पी सी सी ओल्ड सिलेबस एंड राइटिंग एग्जाम जुलाई, इफ नॉट क्लियर कैन आई अटेम्प्ट नवंबर ओल्ड सिलेबस और दिस ऑप्शन ओनली फॉर वो नॉट अटेम्प्ट जुलाई एग्जाम। तो उन्होंने आंसर में दिया येस, आप अटेम्प्ट कर सकते एग्जाम्स को। ऑब्वियसली एक तरह से एक्सटेंशन लगेगा लेकिन इंस्टीट्यूट को उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए था। मतलब नवंबर एक तरह से वैसे तो अभी अनसर्टेन है कि एग्ज़ाम्स होंगे भी नहीं होंगे जुलाई में, तो घूम फिर के वो है ही एक अटेम्प्ट, लेकिन दिखाया जा रहा है कि एक तरह से एक्सटेंड हो गया है। एक्सटेंड करना था तो उसको मई 21 नवंबर 21 ऐसे करते तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन लगता। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाता तो नवंबर का अटैम्प्ट भी दे सकता है। उसके लिए जुलाई वाला अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट नहीं होगा अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। तो ये थी अपडेट, होप करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।